मंत्री से मदद मिलने के बाद आरोपी पक्ष ने मीडिया के सामने भी अपना पक्ष रखा। आरोपी पक्ष ने अपने आप को निर्दोष बताया। आपको बता दें कि बुलंदशहर में 14 जून को महिला को संदिग्ध हालत में आग लग गई थी। इलाज के दौरान उसकी दिल्ली में मौत हो गई थी। इसके बाद महिला के मायके वालों ने पति समेत मृतक महिला की सास, जेठ, ननद और नंदोई के खिलाफ लड़के की चाहत में महिला को जलाने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था। पति की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। अब मृतक महिला की दो बेटियों ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को खून से चिट्ठी लिखी और अपने पिता से अपनी जान को खतरा बताते हुए मदद की अपील की। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज दोनों बहनों से न केवल मुलाकात की बल्कि दोनों की आर्थिक मदद करते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। लेकिन अब मामले में नया मोड़ आ गया है। आरोपी पक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद को निर्दोष बताया है। मृतक महिला के ससुराल वालों का कहना है कि उनकी बहू ने खुद आग लगाई थी। उसको बचाने के चक्कर में जेल में सजा काट रहे उसके पति के हाथ भी जल गए थे, लेकिन उनकी बहू यानी मृतक महिला के घर वालों ने झूठा केस दर्ज कराया है। मृतक महिला के ससुराल वालों का आरोप है कि मृतक महिला का भाई समाजवादी पार्टी का नेता है, जिसकी वजह से पुलिस उसके इशारे पर काम कर रही है। मृतक महिला के ससुराल वालों का ये भी आरोप है कि मृतक महिला के भाई और समाजवादी पार्टी नेता ने ही दोनों बच्चियों को बरगलाया, जिसकी वजह से वो गलत बयान दे रहे हैं। आरोपी परिवार का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और जो भी दोषी पाया जाए उसे सजा दी जाए। तो बुलंदशहर की दो बहनों ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को जो खून से चिट्ठी लिखी थी, उस मामले में उन्हें मुख्यमंत्री की मदद तो मिली, लेकिन अब आरोपी पक्ष भी मीडिया के सामने आया है और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने इस मामले में अपना पक्ष रखा और उनका कहना है कि मामले की जांच होनी चाहिए। खुद को वो निर्दोष बता रहे हैं। आरोप है कि लड़के की चाहत में इन दोनों बहनों की मां की हत्या की गई थी जला करके। पर इन आरोपियों का कहना है, आरोपी परिवार का कहना है कि ऐसा नहीं था, उन्होंने खुद आग लगाई थी और उनको बचाने की वजह से लड़कियों के पिता भी काफी जल गए थे और वो भी इस वक्त जेल में है। बारह साल की लड़की है, 16 की और 12 की दूसरी है। मुझे कोई वास्ता नहीं, इसके पास रहती हूँ, ना मुझे हाथ चला ना पैर चला, आँख है वो मेरी बेकार है, जूही करता है, ना उससे मुझे कोई वास्ता था, ना पानी से वास्ता, ना लेने से, ना देने से, ना आने से। मैं तो मुरादाबाद ही इसके पास ही रहती हूँ, जलेगी भी सुनी तो पड़ोसियों पर छोड़ के मुझे चला गया यूँ। मैंने मुझ पर बस की ना उठना, गठिया कैसी मेरी बीमारी है, ना घेट उठा था, सांस मेरा फूल है, यही कर रहा है, मुझे कोई वास्ता ना पता ना क्या हुआ और क्या ना हुआ।